मैं उनसे नाराज हो गई और ये उनका आखिरी टाइम था। मेरा काशा से सवाल है कि आपने कार्टून में डबिंग बहुत किया, तो क्या आपके ख्वाब में कभी कोई कार्टून आया है? हाँ जी, मेरे ख्वाब में कार्टून आया ना हो, लेकिन आपकी आवाज मेरे ख्वाब में जरूर चलेगी। क्या करारी आवाज है ना। कार्टून कोई ख्वाब में नहीं आया, लेकिन ख्वाब में एक चीज बहुत तकलीफ दे होती है। ख्वाब में ना हम कहीं, हमारे पास इतने ज्यादा पैसे होते हैं और हम तय कर रहे होते हैं, गिन रहे होते हैं, और हमें पता भी है ख्वाब में, यार ये ख्वाब है, ख्वाब खोल पैसे चले जाने। ये बचपन में बड़ा आता था, टीपे होते थे, मैं काउंट करती थी और आंख खोलती थी, टीपे गायब। गुस्सा आता था क्योंकि मैं छोटी थी ना, टीपे होते थे। यार लॉजिक है, टीपे छोटी थी तो टीपे। उकाशा, आपने डबिंग बहुत की है, तो डोरेमोन की आवाज निकाल के सुनाते हैं। बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं बच्चे। हाँ। चांद भाई से अगर डोरेमोन बात करे। वसी सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने जब से इस चांद को चांद भाई कहा है, इसके जो चेहरे पर लाइटें जल रही थी वो बुझ गई हैं। दोबारा बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ। अली, मेरा आपसे ये सवाल है कि तमाशा हाउस में आपने सबको बहुत एंटरटेन किया, तो क्या घर में भी आप अपनी वाइफ को, अपनी बेगम को इस तरह एंटरटेन करते हैं या मुंह फुलाए रहते हैं? नहीं, मैं वाइफ को क्या, मैं तो अपने बच्चों को इरिटेट कर देता हूँ। मेरा अगर मूड है, हाँ मतलब मेरा बेटा जो है वो होता है ना, टाइम रिजर्व एक्टिंग कर रहा होता है, तो मैं कहता हूँ नहीं अभी अगर मेरा मूड है तो आ जाओ, लेट्स प्ले। लेकिन कभी अगर खफा हो जाए बेगम से किसी बात पे, मेरा प्रॉब्लम ये है कि वो खफगी जो है वो ज्यादा मैं चलने नहीं देता। वो मेरी वालदा है, वो मेरी वाइफ है, वो कोई भी है जिंदगी में, कहना लड़ो तो मुकाओ विचों गल। हाँ, मुझे आप मेरे साथ ज्यादा देर नाराज नहीं। नहीं, मैं बेगम की बात कर रहा हूँ। बेगम ही, मैं उनको आप कहता हूँ। नहीं जी, दोबारा बढ़ते हैं ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। आकाशा साहिबा, आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो काइंडली एक मेरे लिए रोमांटिक सा गाना गाया जाए। क्या कहने, जब सानू भरा कहोगे तो फिर एदे वास्ते गाना पड़ेगा। मैं अब भी तुम्हारा दिल रखती हूँ चांद भैया। जो हमसे इस तरह सवाल कर रहा है, हमारा हुक्म है कि उसे स्क्रीन से हटाया जाए। चलो जी, तहकबाना अंदाज में उसने फरमाइश की है, फरमाइश की ऑर्डर, और फिर रोमांटिक। अब वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें अनफॉलो कर सकते हैं। अच्छा नहीं, लेकिन एक चीज है कि देखिए, ये हमारे फैंस होते हैं तो हम होते हैं, अगर हमें कोई पसंद नहीं करेगा तो हम भी नहीं एग्जिस्ट करेंगे। तो फिर गुनगुना दे उसके लिए, तुम जो मिल गए हो माशाल्लाह, तो ये लगता है कि जहां मिल गया। वाह वाह वाह, इसका फिर भी दिल रख लिया, आपका नहीं रखा। कहीं नहीं आएगा, छोटे से परफेक्ट बात वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है अली सिकंदर, हमारे साथ मौजूद है उकाशा गुल, और आप दोनों से वन बाई वन ये सवाल है। उकाशा, आपसे शुरू करते हैं। कोई रिग्रेट जिंदगी में? किसी पे भी नहीं, किसी पे भी no. कोई अफसोस नहीं जिंदगी में? नहीं। कोई गलती कभी नहीं की? गलतियां तो हम करते रहते हैं, गलती पे कोई अफसोस आज नहीं? भी हो रही हैं और कल भी होंगी, मगर उस पे कोई अफसोस नहीं है। मेरे ख्याल से हर गलती से अगर आप सैड होते हैं, बाद में रोते हैं या पछताते हैं, तो आप स्ट्रांग भी होते हैं। कोई रिग्रेट? मैंने अपनी एजुकेशन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी अपने पैशन की वजह से, जबकि मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे, ये मैं मैसेज भी एक देना चाहूँगा जो आज के जनरेशन है जिनको बहुत क्विक फेम मिल रहा है, डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ग्रेजुअली वक्त के साथ पता चलता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर जाते हैं। आप कैपेबल होते हैं, बट वो होता है ना कि एक आपको सर्टिफिकेट चाहिए, एक की टू दैट डोर चाहिए, वो आपको डिग्री देती है। तो कोई गिल्ट, कोई ऐसी गलती की हो जिसपे ये नहीं होनी चाहिए? कुछ ऐसे हैं जैसे अगर शेयर कर सकें। मैं मोस्टली अपने से ही शेयर करती हूँ चीज़ें, या अल्लाह ताला से। होता क्या उससे, हाँ। लोग सीखते हैं कि हाँ यार, आप बाजुकात मासूमियत में अपने, उस वक्त में आपको लगता है कि वो कोई मासूम हरकत है, बाद में आपको एहसास होता है कि नहीं वो गलत हरकत थी, मगर वक्त गुजर जाता है, बाजुकात वो शख्स भी नहीं होता कि आप उससे माफ़ी मांग सकें, और वो हमेशा आपको एक रिडक रहती है। तो इसलिए भी ये सवाल होता है ताकि लोग उससे सीख सकें। तो अगर आप शेयर करेंगी, मैं रोना शुरू कर दूंगी बताते हुए। मेरी नानी अम्मा थी, वो हमसे बहुत प्यार करती थी, तो उन नाना नानी के साथ तो आप बदतमीजी भी कर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो। तो ये उनका लास्ट टाइम था जब ये सब कुछ हुआ था। मैं बीमार थी और पता नहीं मुझे मलेरिया हुआ था या क्या हुआ था, तो वो ना उनको नज़र नहीं आता था सही, फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती थी क्योंकि हम छुट्टियों में उनके पास आते थे कि कुछ मेडिसिन ले आना या कुछ ऐसा कर देना। तो एक दफ़ा मैं उनसे नाराज़ हो गई और ये उनका आखिरी टाइम था। वो मुसलसल ना इस तरह से ट्रीटमेंट दे रही थी, इस तरह मदर्स भी नहीं देती जिस तरह नानी देती है ना, कि ये मान जाए। तो मैं नहीं मान रही थी, मैं अपने एटीट्यूड में थी कि ठीक है जो भी है, मैंने मानना ही नहीं है। वो एक होता है ना मान के ठीक है जो भी है। तो उसी टाइम में वो बीमार हो गई थी और ICU में चली गई थी, बस वो क्लियर नहीं कर पाई। वो वक्त अभी याद आता है ना, तो मैं चाहती हूँ कि वो वक्त वापस आए। तो वो जिस तरह मना रही थी उस तरह कोई भी नहीं मनाता, कोई भी नहीं मना सकता आपको लाइफ में, कि आप भूल ही जाते हो कि आप इतने बड़े हो एज में या जिस तरह से भी, कि आप बिल्कुल ही अपने बच्चे के आगे बिछा देते हो अपने आप को। इस पूरी दुनिया में नानी, नाना नानी, दादा दादी और माँ बाप, इसके अलावा कोई इंसान नहीं है जो आपके आगे बिछ जाएगा। और ये वो कैरेक्टर्स हैं जो अपनी मैं मार देते हैं। इनफैक्ट माँ बाप भी, बड़े ऐसे मोमेंट्स आते हैं। मैं कभी ये सोचती होती हूँ कि अभी मैं आपके साथ अगर काम कर रही होंगी ना, तो आप अगर हम एक टीम में होंगे, आप मुझे बड़ा कुछ कहेंगे तो मैं आपके आगे जुबान नहीं चला सकती, आपके साथ बदतमीजी नहीं करूंगी, जी सर ठीक है वो है। लेकिन मैंने कभी भी आपको नहीं, मैं मिसाल दे रही हूँ, मुझे तो निकाल दें इसमें से। किसी भी मैनेजमेंट में हम काम कर रहे होते हैं ना, मुझे तो आप जब कहती थी कि छुट्टी चाहिए मैं कहता था ठीक है, वो तो आप आई गुड बुक्स में। लेकिन होता है ना ऐसे कि हम अपने सर के सामने, बॉस के सामने, तो फिर मैं कई दफ़ा ये सोचती हूँ कि जब घर में कोई ऐसी बात होती है तो हम अपने माँ बाप को झाड़ के रख देते हैं और वो सुन भी लेते हैं, बाहर वाला सुनता भी नहीं है, वो आपको 2 मिनट में फायर कर देगा, हमें ये डर होता है। और जो चीज़ एक्चुअली हमारा सब कुछ ख़त्म कर सकती है, क्योंकि वो चीज़ अल्लाह ताला के हाँ काउंट हो जाएगी ना, तो हम अपने माँ बाप को इतना इजी ले लेते हैं पेरेंट्स को, और वो स्टिल कुछ भी नहीं कहते। वो नाज़रीन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो उकाशा कर रही हैं, और इसीलिए हम लोगों से ये सवाल, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जैसे हम अभी कोई मीटिंग हो रही होगी तो मैं मोबाइल में लगी होंगी, आप कोई बात शुरू करेंगे, हमारा कोई कलीग, तो हम मोबाइल छोड़ देते हैं, हम वो ढीठ पने में नहीं लगे रहते। ठीक है, घर में क्या होता है, हम बैठे हैं तो मामा या अब्बू स्पेशली आके बैठेंगे कि ये अभी घर बैठा है, छुट्टी है, इसके पास बैठते हैं। आएंगे तो हम अपने ही मोबाइलों में, ये नहीं कि आई डोंट लव दैम, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं सब कुछ उनके लिए कर रही हूँ, बट स्टिल हम वो इम्पोर्टेंस नहीं देते जो हम बाहर के लोगों को देते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की, मैं टाइम नहीं देते। मैं कभी कभी ये सोचती हूं, से एक बात आपको शेयर करूँ, सिर्फ इसलिए कि खूबी के तौर पे नहीं कर रहा मैं, मगर सिर्फ ये बताने के लिए जो आप बात कर रही हैं, मैं जब अपनी अम्मी के साथ कमरे में होता हूँ तो मैं कभी अपना मोबाइल कमरे में लेके ही नहीं जाता। और अल्लाह ताला आपके वालिदैन को सलामत रखे, तवील तरीन अरसे तक हमेशा आपके साथ रखे और आपकी खुशियाँ और कामयाबियाँ दिखाए। मेरी नमाज की हर दुआ में पहली दुआ ये होती है कि अल्लाह जी